प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, प्रिलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, सो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये वो क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, कैन बी आस्क्ड, ओके, और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कल परसों में शेयर कर दूंगा, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहले चैप्टर से ही क्वेश्चंस हैं. योर आंसर इज इट्स नन ऑफ द अबव. Now guys, this is the question which can be asked in UPSC. It's an easy, but simultaneously, जिसने ध्यान से पढ़ रखा है, वही कर सकता है इस क्वेश्चन को. So what does descending order mean? As in the size of the नहीं, place? लेंथवाइज, डिसेंडिंग मतलब लेंथवाइज, जो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना भूल गया. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब द लेंथवाइज, द विद द हाईएस्ट किलोमीटर टू द लोएस्ट किलोमीटर. द स्टेट विच शेयर्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ किलोमीटर्स विद बांग्लादेश बॉर्डर. जी सर, सी, यस, वेरी गुड शशांक, इट्स सी. द मैक्सिमम इज त्रिपुरा, देन असम, देन मेघालय, देन मिजोरम, ओके, और इसका है डी. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स बांग्लादेश एंड त्रिपुरा. द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश एंड त्रिपुरा. तो गाइज, आपको मैं धीरे धीरे, जब तक ये चैप्टर चल रहा है, कई और क्वेश्चंस शेयर करूंगा, ओके, जो इस चैप्टर से बनते हैं. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. पीसीएस के लिए तो डैम इंपॉर्टेंट है. फॉर द पीसीएस इट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. फॉर द पीसीएस, पीसीएस एग्जाम ने इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. पीसीएस में इंडिया के बारे में, इंडिया के बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस्टरडे वी डिड रिगार्डिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. वी डिड द नॉर्थ, वी डिड द साउथ, वी डिड द ईस्ट वेस्ट. हमने एक्सटेंट देख लिया, लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया. आज हम इंडिया के शेप्स देखेंगे, ओके, और इंडिया के बारे में और फैक्ट्स देखेंगे जो आज के लेक्चर में होगा, ओके. तो इंडिया की शेप, गाइज, वी ऑल नो, इंडिया की अगर शेप है तो क्वाड्रिलेटरल शेप है. इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल शेप की कंट्री है, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल, ओके. यहाँ पे एक तरीके से रफली इंडिया को इस तरीके से क्वाड्रिलेटर टाइप की कंट्री है, ओके. जहां पे ये नॉर्थ जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाता है, इधर आपके कच्छ का एरिया, गुजरात का एरिया आ जाता है, ये इधर कन्याकुमारी है, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है. तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप में इंडिया है, ओके. इंडिया के टोटल कितनी स्टेट्स के पास अपनी कोस्ट लाइन है? इजिएस्ट क्वेश्चन. नाइन वेरी गुड, एक्सलेंट. नाइन नाइन स्टेट्स के पास अपनी कोस्ट लाइन है, ओके. और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? इंडिया सर की, हाँ, फर्स्ट गुजरात के, गुजरात तो दैट्स व्हाई मैं आई डेलिबरेटली डिडंट आस्क द दिस. आंध्र प्रदेश, यस, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश, ओके, यस, इट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके. सो वी विल डिस्कस
these do these things. And we will also see in today's lecture that what is territorial water, what is exclusive economic zone, okay, kis tarike se baseline hoti hai, ki sari cheez, okay, bahut important, ye territorial water, exclusive economic zones, contiguous zones, guys, ye aapke mains mein bhi aa sakte hain, mains ka bhi question ban sakta hai UPSC, okay, to likhe class, shape and size of India, shape and size of India. And size of India. The shape of India is not totally triangular, but quadrangular. The shape of India is not totally triangular, but quadrangular. Full stop. India measures. India measures 2933 kilometer. India measures 2933 kilometer from east to west. From east to west. And 3214 kilometer from north to south. 3214 kilometer from north to south. First stop. India's total land area is. India's total land area is 3287263 square kilometer. India's total land area is 3287. square kilometer. Square kilometer. That is 3287,263 square kilometer. India has a land frontier of 15,200 kilometer. Land frontier of 15,200 kilometer and a coastline of 7516.6 kilometer and coastline of 7516.6 kilometer. This includes the coastline of mainland. This includes the coastline of mainland. Mainland. And Lakshadweep Islands and Andaman Nicobar Islands. Lakshadweep Islands and Andaman Nicobar Islands. This 7516.6 kilometer coastline, this 7516.6 kilometer coastline is distributed among
is distributed among 9 coastal states and 4 union territories. 9 coastal states and 4 union territories. Union territories. Gujarat is strategically located with largest share in India's coastline, that is 1915.29 kilometer. Sir, largest share? Largest share in India's coastline. That is 1915.29 kilometer. Please stop. Likhiye. This is followed by Andhra Pradesh. 1037 kilometer. Tamil Nadu 864.73 kilometer. Kerala 560 kilometer. Andhra Pradesh 1037 kilometer. Tamil Nadu 864.73 kilometer. Kerala 560 kilometer. Maharashtra 510 kilometer. Odisha 457 kilometer. Odisha 457 kilometer. West Bengal 374 kilometer. Karnataka 258 kilometer. Karnataka 258 kilometer. Goa is 113 kilometer. Let's stop. The 4 union territories that have coastline are the 4 union territories that have coastline are
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुदुचेरी, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, एंड दमन एंड दीव, तो क्लास ये इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है. ओके, ये आप चीज याद रखिएगा. जैसे मैंने डेलिबरेटली सेकेंड कोस्ट लाइन पूछ ली तो यूपीएससी इज नॉट सच अ सिंपल थिंग कि वो आपसे पहले टॉप पूछेगा. वो बीच से स्टेट उठाएगा. वो उठाएगा सपोज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और ओडिशा. और कह देगा इसको, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, डिसेंडिंग ऑर्डर कोस्ट लाइन की लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो. तो यूपीएससी की ये खास तरीके के बहुत डियर क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के. यू हैव टू प्रिपेयर दिस, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस एंगल. ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है कि आपको, सभी को मालूम है गाइस कि वो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन का जो है स्टेट है वो गुजरात है. ओके, बट वो, और सबसे छोटा गोवा है, बट वो बीच से पूछेगा. ओके, सो इफ यू एबल टू रिकॉल, तो हमारे एटमॉस्फेयर में लीस्ट नंबर ऑफ गैस, सबसे जो लीस्ट परसेंटेज ऑफ गैस है वो कौन सी है? आर्गन. 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 आर यू श्योर? ओजोन. 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 ओके, सो गाइस ये सारी चीजें आपको मैंने पूरे टेबल दी थी, पूरा का पूरा टेबल आपको दी थी. ओके, परसेंट विद परसेंटेज वाइज. तो वो क्या पूछेगा? 20 से पूछ लेगा आर्गन. वो ऑक्सीजन नहीं पूछेगा ना नाइट्रोजन पूछेगा. आर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड. और वो सके पूछेगा इसको मैक्सिमम से, मतलब जो मैक्सिमम प्रेजेंट है गैस से, लीस्ट में लगा दो. तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी के लिए. प्लस बुक्स, आप बहुत सारा मटेरियल है, बट आप कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को किस तरीके से पढ़ते हैं, विच इंश्योर्स योर सिलेक्शन. पढ़ने को तो जैसे मैंने आपको कहा ना, 5 लाख लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स भरते हैं, बट 5 लाख लोग में से 13,000 से 14,000 लोग ही प्री क्वालिफाई कर पाते हैं. 4,85,000 आउट. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 4,85,000 में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं गाइस, जिनका आपसे रियली में, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो जिनका आपसे रियल में आपका आपसे कंपटीशन है, वो सिर्फ 50,000 to 60,000 होते हैं. बाकी तो सब इसी में खुश हैं कि वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, द कोवेटेड सर्विस ऑफ द कंट्री. ओके, वो इसी में खुश हैं कि वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दे आर नॉट सीरियस. तो आपको, आपका आपका कॉम्पिटिशन वो 4,85,000 या 5 लाख में से नहीं है, आपका आपका कॉम्पिटिशन 60,000 में से. और हाँ, वो 60,000 विल गिव यू अ टफ कॉम्पिटिशन. आपको 60,000 में से 13,000 to 15,000 में आना है. पर एक बार आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब वहां पे सभी लोग बराबर हो जाते हैं. फिर वहां पे एक्सपीरियंस, आपने कितनी समझा है, एनालिसिस कितना किया है, तो उस पे काम आ जाता है. राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है. ओके, अब जैसे आपका प्रीलिम्स में है,
तो प्रीलिम्स में ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती. मेंस में अब स्किल, राइटिंग स्किल्स क्या है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है, ये सारी चीजें सेकंड नेक्स्ट चीजें आने लग जाती. तो यूपीएससी का एग्जाम क्लास इट्स नॉट लाइक द जस्ट लाइक अदर एग्जाम एसएससी एसएससी की तरह नहीं है. यूपीएससी इज अ बिट, जो मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा रणनीति का एग्जाम है. ओके, कुछ लोग समझ जाते हैं. आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स इन माई इंस्टीट्यूशंस. ओके, 11 साल का हो संस्थान है तो कुछ स्टूडेंट एक या दो बार में प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब तक प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए. इनमें से कुछ स्टूडेंट्स मतलब मल्टीपल टाइम क्लासेस किए हैं, कोचिंग भी ले चुके हैं, यहाँ लेते हैं फिर दिल्ली जाते हैं फिर वापस आते हैं, बट नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स. तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी फॉल्ट है, स्ट्रेटजी की गलती है. और कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाते हैं या सेकंड टाइम में ही क्वालिफाई कर जाते हैं. तो गाइस, आपको जो बता रहा हूँ दैट इज द एक्सपीरियंस. इस तरीके से जब भी आप पढ़ेंगे इन तरह के को, तो इस तरीके से पढ़ेंगे. अब जैसे इंडियन इकोनॉमी में जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो कोई भी अगर इंडेक्स आए तो इंडिया की रैंक, सार्क में इंडिया की रैंक, ब्रिक्स में इंडिया की रैंक, ये सब चीज याद होनी चाहिए. कब से बना था, ओके, ये सारी चीज याद होनी चाहिए. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था ऑक्सफैम जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करती है? Which institution publishes corruption perception index? मतलब these are the things. That's why guys, आपको वो 60,000 बहुत tough competition देंगे. Okay? कहने को तो भीड़ तैयारी करती है सिविल सर्विस की, पर वो भीड़ में वो 60,000 हैं जो आपको लिटरली वो आपको कॉम्पिटिशन देंगे, बढ़िया कॉम्पिटिशन. ओके, तो मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए. लिखिए गाइज नेक्स्ट. अब जो पढ़ा रहा हूं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इंडिया की वाटर लाइन कैसे बनी होती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इंडिया, मतलब किसी भी देश की. ओके, तो पहले हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं कि वाटर लाइन होती क्या है, किस तरीके से वाटर बाउंड्री. हमने लैंड फ्रंटियर तो कर लिया, कोस्ट लाइन भी कर लिया, अब इंटरनेशनल वाटर लाइन क्या है, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री क्या है. So I'm making you see a diagram, 2-3 diagrams, so that things should be clear. C class, just wait for a moment. I hope सभी के पास सभी का ये डायग्राम आ गया होगा. ये एक वाटर बाउंड्री है, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री हाई सी को कहते हैं, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री हाई सी को कहते हैं. तो तीन तरह का जोन होता है, या कहिए चार तरह का जोन है, वैसे तो तीन तरह का जोन होता है, बट बेसलाइन को अगर मान लो उसे इंटरनल वाटर कहते हैं. तो पहला है आपके ये एरिया इंटरनल वाटर रहेगा, बेसलाइन के अंदर इंटरनल वाटर, फिर टेरिटोरियल सी, फिर कंटिग्यूस सी, और फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. पहले बेसलाइन और आपके जो कोस्ट लाइन के बीच में इंटरनल वाटर्स होगा, बेसलाइन और टेरिटोरियल, बेसलाइन और आपके कोस्ट लाइन के बीच में, शोर के बीच में, बेसलाइन और शोर के बीच में जो पानी आएगा वो उसे इंटरनल वाटर कहते हैं. फिर बेसलाइन से आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी है,
फिर 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिगुअस जोन है, और 24 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और 200 नॉटिकल माइल्स के आगे हाई सी है, इंटरनेशनल वो है, वहां पे आपके इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो एरिया किसी के अंडर, वो मतलब एक तरीके से वैश्विक है, ग्लोबल है। क्लियर है गाइस? अब हर की एक तरीके से गाइस, हर जोन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूपीएससी पूछता है। मैं आपको थोड़ा पहले बेसलाइन क्लियर करता हूं, व्हाट इज बेसलाइन? दिस इज बेसलाइन गाइस। बेसलाइन क्या होता है कि भाई, बट ऑब्वियस है, स्टेट जो कोस्टलाइन बिल्कुल स्ट्रेट तो होती नहीं है, इंडेंटेड होती है, ओके बिल्कुल इंडेंटेड होती है, जैसे गुजरात गुजरात के साइड की है, तो उसको एक यूनिफॉर्म देने के लिए एक बेसलाइन बनाते हैं। तो जो बेसलाइन है, बेसलाइन के अंदर जो पानी आ जाता है उसे इंटरनल वाटर कहते हैं। बेसलाइन और टेरिटोरियल, उसके वो टेरिटोरियल सी है, उसके बाद कंटिगुअस जोन है, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ओके तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द कोस्ट टू द हाई सी, इंटरनल वाटर, दूसरा है कंटिग्यूस जोन, तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, चौथा है टेरिटोरियल सी, इसको अरेंज कर दो, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास। ओके लिखे गाइस, एनी क्वेश्चन यू एनीबडी वांट टू आस्क? चलिए पहले डिक्टेशन ले लेते हैं फिर देखते हैं। लिखिए क्लास, द मैरिटाइम बेल्ट ऑफ इंडिया or the territorial sea is 12 nautical miles from the main coastline, or territorial sea is the 12 nautical miles from the main coastline, the maritime belt of India or territorial sea is 12 nautical miles from the main coastline, first stop, likhiye, the term territorial waters of country include, the term territorial water of country include any area of water on which it has jurisdiction, any area of water on which it has jurisdiction. The term territorial water of a country include any area of water on which it has jurisdiction. This includes internal waters, this includes internal waters, territorial sea, contiguous zone, CONTIGUOUS, an exclusive economic zone, first stop.
पहली हेडिंग डाली क्लास टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. द फर्स्ट इज टेरिटोरियल सी. टेरिटोरियल सी होता क्या है? एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉस, एज पर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन United Nation Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, which is also known as Law of the Sea Treaty, which is also known as Law of the Sea Treaty, the territorial sea is a belt of coastal waters. The territorial sea is the belt of coastal water that extends from baseline to 12 nautical miles, baseline to 12 nautical miles. Full stop. Can you please repeat? From where? The belt of coastal water. I'm just repeating. Belt of coastal water that extends from baseline to 12 nautical miles. To 12 nautical miles. Under territorial sea, a country enjoys following. Territorial sea, a country enjoys following. A, abhi class yahan se question banega. A, it is a sovereign territory of the state. It is a sovereign. I'm not able to hear you, dear. A hai, it is a sovereign territory of the state. B, foreign ship, both civilian and military, are permitted. Foreign ship, both civilian and military, are permitted via innocent passage. Via innocent passage. Foreign ships, both civilian and military, are permitted via innocent package. मतलब कोई belligerent activity नहीं होनी चाहिए. Peaceful movement होना चाहिए. Okay. Number third, C. The sovereignty also includes the seabed below and its airspace above. The sovereignty also includes the seabed below pardon sir the sovereignty also includes the seabed below and the airspace above. Seabed below and the airspace above.
below and the airspace above. Next point. Contiguous zone. Contiguous zone starts at the edge of territorial sea. Contiguous zone starts at the edge of territorial sea. Edge of territorial sea. Full stop. लिखिए नेक्स्ट कॉन्टिग्यूअस जोन. कॉन्टिग्यूअस जोन द कॉन्टिग्यूअस जोन स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ टेरिटोरियल सी स्टार्ट्स एट द edge of territorial sea or it is 24 nautical miles or it extends to 24 nautical miles from the baseline or it extends 24 nautical miles from the baseline. For the baseline, that is from territorial sea, contiguous zone extends further 12 nautical miles. Contiguous zone extends further 12 nautical miles. Matlab baseline se 12 nautical miles, territorial sea, territorial sea 12 nautical miles contiguous zone. Full stop. In contiguous zone, the state have limited control. The state have limited control A state can enforce law only in four areas. A state can enforce law only in four areas. Only in four areas, viz, taxation, custom, pollution, and immigration. Taxation, custom, pollution, and immigration. Thus, state has some control in contiguous zone. And can penalize the infringement of its custom.
and can penalize the infringement of its custom comma immigration, sanitary or fiscal laws, etc. Immigration, sanitary or fiscal laws, FISCL, fiscal, taxation, fiscal laws, we'll stop. Hey guys, third category hai, exclusive economic zone, EEZ. तो क्लास 1982 में यूएन क्लॉस ने, यूएन CLOS कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसने ईजेड का कॉन्सेप्ट के बारे में डिफिनेशन दी. उसने कहा कि एक ऐसा जोन होगा जो आगे फर्दर कंटिग्यूस जोन के आगे एक्सटेंड करेगा, जहां पे कंट्री को एक्सक्लूसिव राइट होगा मिनरल्स का, फिशिंग का, देन विंड एनर्जी और अदर कोई रिसोर्सेज अगर सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा इमिग्रेशन, कस्टम, इनके पे कोई हक नहीं होगा. तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, सबसे पहले इंटरनल वाटर, जो बेस लाइन और लैंड के बीच में पानी है, इंटरनल वाटर. फिर आता टेरिटोरियल सी, फिर आता कंटिग्यूस जोन, और फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. और ये हो गई आपके जर्नलिस्ट बनने की तैयारी. आप लोग स्पेशल, कुछ लोग स्पेशलिस्ट हैं, आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, एंड दिस इज व्हाट यूपीएससी इज. ओके, आपको ज्योग्राफी है, फिर आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, फिजिकल ज्योग्राफी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी खत्म हो गई है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है. दो ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दूसरे टीचर आके पढ़ाएंगे, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं हमारे, दूसरे फैकल्टी है, मनदीप सर. ओके ठीक है गाइस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉस, इन 1982. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इन 1982 डिफाइंड ईजेड. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी defined EEZ as a zone in the sea over which a country or nation or which a country or nation has a special rights with respect to exploration and usage of marine resources So with respect to
has a special right with respect to exploration and usage of marine resources and usage of usage of marine resources stop. Likhiye. This includes generation of energy from wind and water. This includes generation of energy from wind and water. And also oil and natural gas extraction. And also oil and oil and natural gas extraction, extraction. So stop. Okay, guys. The EEZ is an area that is adjacent to and beyond territorial sea. The EEZ is an area that is adjacent and beyond, that is adjacent and beyond contiguous zone. Likh lijiye guys, that is adjacent or beyond contiguous zone. And beyond contiguous zone. Full stop. Likhiye. It can extend to maximum of 200 nautical miles from the baseline. It can extend maximum of 200 nautical miles from the baseline or 176 nautical miles from contiguous zone. 176 nautical miles from contiguous zone. Contiguous zone se 176 nautical miles aur aage EZ hoga. Sir, nautical miles could define the distance. Nautical miles is the distance in the matlab which is measured in the sea. Okay. Yes, class. A very easy question. One nautical miles is equal to how many kilometers? 12.8 kilometers. It's 1.8 kilometers. 1.8 kilometer. One nautical mile is equal to 1.8 kilometer. Okay, dhyan rakhiyega. One nautical mile is 1.8 kilometer. Okay. If you Google it, तो 1.852 किलोमीटर होगा, but 1.8 ले जाता है. तो प्रज्वल, one nautical mile is equal to 1.8 किलोमीटर. Okay,
नॉटिकल माइल हम ओशंस और सी में, हाई सीज में या ओशंस में डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं नापते हैं, नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, एनएम में नापते हैं। क्लियर है? जैसे आपके दिस इज दिस क्वेश्चन जो हम अभी पूछ रहे हैं, ये आपके 2005 में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिए क्लास, मतलब यू यूपीएससी में यही क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं, 2005 वे बैक इन, मतलब 15 इयर्स पहले का क्वेश्चन है बट बना है। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन वन बैरल, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन है, यू कैन सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो वैसे ही वन नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, वन बैरल इज इक्वल टू 158 पॉइंट समथिंग है, 159 टोटल राउंड ऑफ 159 है, वैसे 158 पॉइंट समथिंग है वन बैरल। 2005 में एक और क्वेश्चन बना था, मतलब देखिए गाइस, आई एम हियर, आई एम योर, सिंस आई एम योर मेंटर, तो इट्स माय ड्यूटी दैट आई शुड एटलीस्ट मेक यू अवेयर कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ किताब बस पढ़ते रहते हैं, आपको डेवलप करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2005 या 6 के प्रीलिम्स में उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, द डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉड गेज, द मीटर गेज एंड द नैरो गेज, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ब्रॉड गेज इतने बीच का डिस्टेंस है, दो जो रेल रेलवे लाइंस हैं उसके बीच में इतने का डिस्टेंस है, मीटर गेज में डेफिनेटली 1 मीटर का डिफरेंस होता है, और नैरो गेज में कितना डिफरेंस होता है दो पटरियों के बीच में। तो आज कुछ लोग कहोगे एब्सर्ड क्वेश्चन है, बट हु केयर्स, यूपीएससी पूछ लेता। ओके, सो तो ध्यान रखिएगा, अच्छा हुआ आपने बता दिया, पूछ लिया प्रज्वल, तो इस कारण से सभी को क्लियर हो गया। इट इज नॉट गाइस 180 या 1 समथिंग, it 120, it is 1.8 kilometer, 1 nautical mile is equal to 1.8 kilometer, 1 barrel is equal to 158 या 159, 158 point something round off है, 78 something है, तो 159 kilometer, 1 barrel, 159 liters, 1 barrel, okay, तो these are the things, तो nautical miles समझ के distance को कहते हैं nautical miles, okay, तो 200 nautical miles को अगर kilometer में करोगे, तो into 1.8 से divide, वो multiply कर देंगे, तो आपका आ जाएगा kilometer में 200 nautical miles. ओके, कितने किलोमीटर है, ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया क्लास। बेसलाइन कहां तक है, आपके कोस्ट लाइन या कोस्ट शोर से बेसलाइन तक इंटरनल वाटर, बेसलाइन से टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल्स, टेरिटोरियल सी से कंटिग्यूअस जोन अगेन 12 नॉटिकल माइल्स, और कंटिग्यूअस जोन से 176 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड आ जाता है। तो बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स EZ, जिसमें अलग अलग जोन की अलग अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर है? ओके, सो आई वांटेड टू आस्क वन थिंग, जैसे टेरिटोरियल सी में मूवमेंट ऑफ शिप्स और जो रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन है वो सिर्फ कंट्री के पास उसकी राइट्स होती हैं, तो एंड तो फिर कंटिजियस जोन जो होगा उसमें What is the difference between contiguous and territorial then? Okay. इसमें सिर्फ ये चार चीजों के बीच में, मतलब हाँ यार, सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड, अब क्योंकि कई कंट्रीज बहुत पास हैं, ओके, तो ट्रेड के लिए उनमें छूट है, बस कंटिग्यूस जोन में कस्टम्स लगा सकती है एक कंट्री, टैक्सेशन लगा सकती है, स्पेशल चीज पे टैक्सेशन लगा सकती है, मैंने कहा ना फिस्कल है, फिस्कल चीजें लगा सकती है कंटिग्यूस जोन में, आपके कस्टम्स ड्यूटी लगा सकती है, ओके, देन थर्ड है आपके उस एरिए की जो क्लीनिनेस है, हाइजीनिक है या सैनिटाइजेशन है, उस कंट्री की जिम्मेदारी है, आप किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंडिया किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकती कंट्री, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर वहां पे वो चीज एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है या कुछ एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है, तो इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि कंटिग्यूस जोन में उस चीजों को दुरुस्त किया जाए। ओके, मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके समझते हैं, आई होप यू रिमेंबर दैट द इटालियन, टू इटालियन सेलर्स शॉट डेड अ पर्सन फ्रॉम केरला,
way back 3 to 4 years back incident was there. If you are aware of, I know आप लोगों में से कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की होगी उसमें. आज से कुछ साल पहले, 3-4-5 साल पहले, एक इटली के शिप के सेलर्स ने एक इंडियन फिशरमैन को गोली मार दी थी. ओके, ये समझ करके कि वो पायरेट है. ओके, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली यू नो क्लास साउथ के जो पीपल हैं वो वहां पे आपके फिशिंग एक मेजर ऑक्यूपेशन है. तो वहां पे इटालियन शिप ने शूट कर दिया था, उसमें उस सेलर की डेथ हो गई थी. अब जहां ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है सर्जना, वहां पे अगर वो शिप इंटरनल वाटर में है तो दैट्स व्हाई दैट सेलर्स वर अरेस्टेड. उन्हें सीधा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उनपे उन्हें अभी हाल में ही छोड़ा गया है विद द इंटरवेंशन ऑफ द मतलब डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन. ओके, तो द थिंग इज दैट जो अगर इंटरनल वाटर में आकर के कोई बाहर के देश से क्राइम होता है तो उसे इंडियन पेनल कोड के तहत चार्ज किया जाएगा, बट दैट थिंग विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ दिस थिंग हैपेंड इन द कंटिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इंडिया के पास मैंने आपको क्या लिखाया था सर्जना, कि टेरिटोरियल सी में इंडिया के पास सॉवरेन राइट्स हैं. सॉवरेन राइट्स का मतलब समझते हैं कि इंडिया का जो कानून है आईपीसी और सीआरपीसी वो उस पे लागू होता टेरिटोरियल सी पे. कंटिगुअस जोन पे हमारा फिस्कल कानून लागू होता, कस्टम ड्यूटी लागू हो जाती है और कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिगार्डिंग द क्लीनिंग मेंटेनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कंटिगुअस जोन पे हमारे लिए चीजें के लिए है. ओके, और बाकी जैसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता हमारे कंटिगुअस जोन में, इंडिया वहां पे इमिग्रेशन लॉ लागू कर सकता. आई होप सर्जना द थिंग्स आर क्लियर. Yes, sir. So that means like an economic zone, your matlab, the ships from other countries can move in that area. Definitely. Only the exploration is under the territory, under the control of the country. One thing I will more add, in exclusive economic zone, EEZ, a foreign ship can move easily. Okay. But in contiguous zone, the foreign ship can move easily, but India has the right to collect custom from it. Because custom law India ke upar hai. India has the right to custom. And if that ship is entered into the internal waters, matlab territorial sea, to wo fir India ki sovereign territory mein land kar raha hai. Bhale hi wo pani hai, samudra hai, par India ki wo sovereign territory mani jayegi. Jahan pe India ka pura kanun, constitution of India lagu hoga. To agar wahan pe kuch if and but hua, तो वो हर चीज एज पर द लॉ एस्टैब्लिश प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ के तहत देखी जाएगी जो वहां पे. तो कानून अलग अलग है. टेरिटोरियल सी एक तरीके से, अगर हम आपको इसको और समझाने के लिए कह रहे हैं, टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल सी को एक तरीके से लैंड समझा जाता है. लैंड मतलब उस पर वही कहा जाता है ना लॉ ऑफ लैंड, द लॉ ऑफ लैंड. तो जो लॉ ऑफ लैंड है वो टेरिटोरियल सी पे बिल्कुल लागू होता है. कंटिगुअस जोन में लॉ ऑफ लैंड थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, कस्टम इमिग्रेशन आपके सैनिटाइजेशन एंड अदर थिंग्स के लिए लागू होता है, बट पीनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ओके, मतलब जो आपके जो क्रिमिनल एंड ऑल दोस थिंग्स. और ईजेड में इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं या किसी कंट्री के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं एक्सप्लोरेशन फिशिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, अदरवाइज कोई राइट्स नहीं. और जैसी 200 नॉटिकल माइल्स खत्म होता है तो वहां फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू हो जाती है हाई सीज की. वहां फिर किसी का कोई लॉ नहीं है, यूनाइटेड नेशन यूएन क्लॉज का अपना ट्रीटी चलती है. क्लियर है गाइस? यस सर. ओके, ये कैसे? हाँ बोलिए परज्वल सर. तो जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं या नेवी ऑपरेशंस होते हैं सर, वो ईजेड में होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल सी तक? देखिए ये डिपेंड करता है, जैसे ऑपरेशन क्या होते हैं, एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइजेस होती है. जैसे नवल आपके बहुत सारी मलाबार एक्सरसाइज है, इफ यू हैव हर्ड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो देयर आर न्यूमरस नवल एक्सरसाइजेस, नेवी एक्सरसाइजेस. तो उसमें
आपके मोस्टली जो नेवी एक्सरसाइजेस होती है वो मोस्टली टेरिटोरियल सी या कंटिन्यूअस जोन में होती है, ईजेड में हाई सीज में नहीं होती, क्योंकि हाई सीज में गाइस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कोई डेफिनेट बाउंड्री थोड़ी ना है। आपने देखा होगा ना इंडियन फिशरमैन कभी पाकिस्तान ने कैप्चर कर लेता, कभी पाकिस्तान के फिशरमैन इंडियंस कैप्चर कर लेता, सी में तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। सी मतलब कोस्ट गार्ड्स को मालूम होता कि कहां तक इंडिया की बाउंड्री जा रही है, वो कितनी दूर आए, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम और आप अगर लेमैन की तरह बोट से निकलेंगे तो हमें मालूम भी नहीं चलेगा कहां इंडिया की ईजेड खत्म हुआ या कहां इंडिया की टेरिटोरियल सी खत्म हुआ और कहां दूसरे देश का ईजेड शुरू हो गया। तो द थिंग इज दैट प्रिकॉशनरी अगर कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा, नवल एक्सरसाइज कर रहा है तो प्रिकॉशनरी सबसे बेस्ट है, कहां करेगा, इंटरनल वाटर में, मैक्सिमम कंटिन्यूअस जोन में, ईजेड में भी नहीं करेगा, हाई सी में नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे कंट्री को थ्रेटन कर सकता। व्हाट माय पॉइंट? अब आप देखिए गाइस, ये सारे टॉपिक्स क्यों इस्तेमाल हो जाते हैं, क्यों आप ने जब अभी जैन के शुरुआत में जब ईरान वर्सेस यूएस के जो रिलेशंस थे सबसे ज्यादा स्ट्रेंड थे, ओके, तो ईरान ने जो आपके हॉर्मुज है वहां पे उसने कह रखा था कि ये हमारे अंडर में आ जाता, यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा था कि नहीं सर ये इंटरनेशनल चीज में आ जाती है। तो द थिंग इज दैट ये टॉपिक्स जो हैं, ये टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूअस जोन, ईजेड, ये सब आपके न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, और दैट्स व्हाई आपको ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में ये पहला ही चैप्टर है जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एरिया पहले तो अभी तक जो मैंने डिक्टेट किया प्रीलिम्स है, अब ये मेंस, प्री में तो आता ही आता है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीज व्हिच अ कंट्री हैव, ओके, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि इंडिया द सी इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री कैटेगरीज, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देनी पड़ेंगी, मैक्सिमम 250 वर्ड्स, ओके, और इन शॉर्ट 150 वर्ड्स, ओके, ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द ईजेड, लिखिए क्लास। सर जब अगर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन द area of your EEZ between two countries, then I'm just coming to that point ki jaise aapne dekha hoga kai group of countries hoti hain jo pass pass hoti hain, ab unme to itna lamba, ab jaise India aur Sri Lanka ka hai, matlab Sri Lanka is just few miles away from the Tamil Nadu, okay, to us un category mein kya hota hai, I'm just coming to it, wo EEZ ke baad hi hum karte hain, isi chapter mein kar rahe hain, abhi kar rahe hain, okay, I'm answering that this thing to you. Okay, likhe guys, let's finish this first EZ. Okay, likhe class, next point. The EZ does not include the continental shelf beyond 200 nautical miles. Does not include the continental shelf beyond 200 nautical miles, please repeat, the EEZ does not include the continental shelf beyond 200 nautical miles, the EEZ does not include the territorial sea, because wo to ek tarike se इंडिया की सॉवरेन वो है, द ईजेड डज नॉट इंक्लूड द टेरिटोरियल सी, हाउएवर इट इंक्लूड्स द कंटिग्यूअस जोन, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, हाउएवर इट इंक्लूड्स द कंटिग्यूअस जोन, however it includes the contiguous zone, full stop,
देखिए within the EEZ the country has the right over natural resources within the EEZ the country has the right over natural resources The country has jurisdiction over some activities. The country has jurisdiction over some activities. Some activities. The country has jurisdiction over some activities for the reason of environmental protection, among others. For the reason of environmental protection, among others. Please repeat. The country has rights over natural resources. Full stop. The country has jurisdiction over some activities. The country has jurisdiction over some activities for the reason of environmental protection, among others. For the reason of environmental protection, among others. Full stop. Following rights. Are there for the country in EEZ. Following rights are there for the country in EEZ. Following rights are there for the country in EEZ. Point number one. Explore and exploit, conserve and manage the natural resources. Explore and exploit, conserve and manage the natural resources. And manage the natural resources. First stop. Point number two, produce energy from wind, currents, and water. Produce energy from winds, currents, and water. Third, establish and use artificial islands. Establish and use artificial islands, structures and installation. Establish and use artificial islands, structures and installation. Establish and use artificial islands, structure and installation. Fourth, conduct marine scientific research. Conduct marine scientific research. Next, protect and preserve the marine environment. Protect and preserve the marine environment.
Full stop. Likhiye. Next paragraph. The major difference between territorial C and E is that the major difference between territorial C and E is that that territorial C confers full sovereignty to a country over the waters. The territorial sea confers full sovereignty to a country over the waters. Whereas the EEZ gives merely a sovereign right, to a country I hope all of you understand the word sovereign. जिनकी पॉलिटी खत्म हो चुकी है, जिन्होंने पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ रखी है, सॉवरेन का मतलब होता संप्रभु. यू आर अ गॉड, यू आर योरसेल्फ अ गॉड. आप प्रभु हैं, संप्रभु. सॉवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता. इंडिया 1947 से पहले डोमिनियन था. डोमिनियन 47, इवन देन 47 के बाद भी हम डोमिनियन थे. हमने जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब हम सॉवरेन हुए. इंडिया बिकेम सॉवरेन ऑन 26 जनवरी 1950, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. व्हाई वी वर डोमिनियन बिफोर 1950, मतलब 1949 में हम क्यों डोमिनियन थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून चल रहा था वो मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 चल रहा था, जो कि हमने नहीं बनाया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था. हम सॉवरेन बने, हम फुल्ली सॉवरेन बने 26 जनवरी 1950 को, जिसके दिन आज हम रिपब्लिक डे बनाते हैं. सॉवरेन मतलब संप्रभुता. आप अपने आप में प्रभु हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं. ओके, तो ये पॉलिटी है. जब हम आपको पढ़ाएंगे ये पॉलिटी का, आई थिंक थर्ड चैप्टर है, द सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Polity is one of the lengthiest subject in the civil service preparation, UPSC civil service preparation. I think I will finish you something around 26 chapters in the Indian polity. The first chapter is of constitutional history. The second chapter is of making of the constitution. The third chapter is salient feature of the constitution. In this third chapter, I will take you the word sovereign. What is sovereign? Sovereign means samprabhuta. Aap apne aap mein prabhu. Jaise aaj India. अब इससे मेन सा क्वेश्चन है. आई होप सम ऑफ यू पीपल कैन आंसर दैट क्वेश्चन. इन द करंट वर्ल्ड सिनेरियो देयर इज नो कंट्री हु कैन कॉल इटसेल्फ अ फुली सॉवरेन. एक्सप्लेन. दिस इज द मेन क्वेश्चन. आज के माहौल में विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो अपने आप में अपने आप को पूर्णता संप्रभु कह सके. समझाइए. ओके, तो मतलब ये मैं इसलिए आपको सॉवरेनिटी समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ने अभी ज्वाइन किया है, तो हो सकता है वो उतना वेल अकस्टम्ड ना हो. ओके, कि सॉवरेनिटी है क्या. सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता. इंडिया इज सॉवरेन. ओके, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर ये है कि आज के समय में कई ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, जैसे इंडिया इज अ मेंबर टू WTO, इंडिया इज मेंबर टू IMF, वर्ल्ड बैंक. तो हम उनके क्लॉज से ऐसे बंधे हुए हैं कि हम एक गवर्नमेंट ने अगर कमिट कर लिया, सपोज इंडिया WTO को का ज्वाइनिंग मेंबर है 1995 से,
तो अगर गवर्नमेंट ने इंडिया की कमिट कर लिया WTO के ऊपर, सिग्नेटरी हो गए, तो हमने एक तरीके से फिर हमारे चाहे पार्लियामेंट कुछ भी करे, हमें उसके सिग्नेटरी जो उसके जो कंडीशन हैं वो मानने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि इन टुडे सिनेरियो नो कंट्री इज सोवरेन, फुल्ली सोवरेन, बिकॉज देयर आर सम इंटरनेशनल लॉज। ओके, सो ध्यान रखिएगा जो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, प्री मेंस एक साथ चलता है, देयर इज नथिंग एज सच ये प्री है ये मेंस है, प्री मेंस एक साथ आपको लेके चलना पड़ता है, दोनों सेम कंटिन्यूम पे चलते हैं। ओके, लिखिए गाइस नेक्स्ट। तो ये चीज है, चीजें समझा दो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। टेरिटोरियल सी में पानी के ऊपर और पानी के अंदर इंडिया की सॉवरनिटी है, EEZ में पानी के अंदर इंडिया की सॉवरनिटी है तो पानी के ऊपर नहीं है। पानी के ऊपर मतलब जो जहाज जाते हैं सरफेस वाटर पे नहीं है, पर बीनीथ द सरफेस, बीनीथ द वाटर सरफेस इंडिया की सॉवरनिटी है। ये मेजर डिफरेंस है EEZ और टेरिटोरियल सी में। टेरिटोरियल सी में पानी के ऊपर भी इंडिया की सॉवरनिटी है और पानी के अंदर भी इंडिया की सॉवरनिटी है। EEZ में पानी के अंदर इंडिया की सॉवरनिटी है और पानी के ऊपर नहीं है। तो समझ में आएगा गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EEZ एंड टेरिटोरियल सी। ये क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। देखिए क्लास, दस इन EEZ अ नेशन हैज अ सॉवरेन राइट। प्लीज रिपीट डियर, आई जस्ट फॉरगॉट मैं कहां से रिपीट करना है। दस हाँ, दस अंडर EEZ अ नेशन एंजॉय सॉवरेन राइट बिलो द सरफेस ऑफ सी, बिलो द सरफेस ऑफ सी एंड द सरफेस वाटर आर इंटरनेशनल वाटर्स, एंड द सरफेस वाटर आर इंटरनेशनल वाटर्स, फुल स्टॉप। लिखिए sometimes the distance between two countries are so less, the distance between two countries are so less that their EEZ overlaps, that their EEZ overlaps under UN clause, UNCLOS, under UN clause the contesting nation can negotiate and discuss the difference among themselves as per the EEZ definition they should not overlap since they are exclusive However, the extent of country's EEZ can be disputed by another country.
However, the extent of countries EZ can be disputed by another country. By another country. So please repeat. However, the extent of countries EZ can be disputed by another country. In such case, the countries have to agree to a maritime boundary. The countries have to agree to a maritime boundary which would delimit their claims. Sir, please repeat. The country should agree to a maritime boundary, M-A-R-I-T-I-M-E, maritime boundary, which would delimit their claims. Which would delimit, D-E-L-I-M-A-T, delimit their claims. Next line. It is to be noted that India has around 2.37. India has around 2.37 million square kilometer EZ. India has around 2.37 million square kilometer EZ. और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ईजेड गाइस फ्रांस के पास है. ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज पॉसेस्ड बाय फ्रांस. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज पॉसेस्ड बाय फ्रांस. बिकॉज फ्रांस पॉसेसेस several overseas department and territories. Because France still possesses several overseas department and territories. Full stop. क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा खत्म होता है. फ्रंटियर्स हमने सारी चीज देख ली है. ओके, अभी कल हम और देखेंगे. आई थिंक बाय मंडे और ट्यूसडे वी विल एबल टू फिनिश दिस चैप्टर. बाय थर्सडे और फ्राइडे वी विल एबल टू फिनिश दिस चैप्टर. ओके, टुमारो आई एम स्टॉपिंग यू हियर. ओके.